नमस्कार मैं अफरोज आपका न्यूज में स्वागत करती हूँ की की शुजालपुर में शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दामों में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ आधे दिन का मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था जिसके तहत शुजालपुर आधे दिन पूर्णतः बंद रहा महंगाई के खिलाफ व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर कांग्रेस के बंद का समर्थन किया ज्ञात हो कि महंगाई के खिलाफ प्रातः काल से दोपहर दो बजे तक आधे दिन के बंद का आह्वान कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था जिससे व्यापारियों ने स्वेच्छा से माना और महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ दुकानों को बंद रख सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया सुबह आठ बजे से ही कांग्रेसी बाइक रैली के रूप में नगर में निकले और केंद्र और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शुजालपुर मंडी सिटी और फ्रीगंज में घूम घूमकर नगर में संदेश दिया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार टैक्स में कमी नहीं रही जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं और तो और सरकार ने रसोई गैस पर भी सब्सिडी हटाकर महिलाओं के रसोई घर पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी डाल दिया है जिससे हर तबका परेशान है अंत में टेम्पो स्टैंड पर कांग्रेसियों ने नुक्कड़ सभा कर व्यापारियों को बंद में समर्थन देने के लिए धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता हसन रजा कुरैशी ने किया और आभार ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने किया इस अवसर पर केदार मेवाड़ा गजेंद्र सिसोदिया कैलाश उपलाभ्या राजवीर सिंह से, से करवार गौरव परमार लोकेन्द्र परमार इस्लाम अंसारी घनश्याम परमार सिद्दिक खान दीपक शर्मा सहित कई के जन न्यूज रहेजालपुर ये थी आज की कुछ खबरें हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद